प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। सबसे पहले डेफिनेशन के बारे में बताएंगे कि अगर आपका कोई प्रोफेशनल मैन है, गुड रेपुटी और स्किल वाला, वो किसी डॉक्टर के कंडक्ट या बिहेवियर को डिसग्रेसफुल या डिसऑनरेबल बताता है तो ये आपका कहलाएगा मिसकंडक्ट। एक्ट ऑफ कमीशन और ओमिशन दैट अ फिजिशियन परफॉर्म एंड इट कॉन्स्टिट्यूट्स द प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। कमीशन क्या है? ऐसे काम जो नहीं करने चाहिए थे बट कर दिए, जैसे आपका बताया है अनएथिकल प्रैक्टिस, ये नहीं करनी चाहिए थी लेकिन कर दी। ओमिशन, ऐसे काम जो करने चाहिए थे बट नहीं करे, जैसे सेकंड में हम देखते हैं कि उसको मेडिकल रिकॉर्ड रखना चाहिए था लेकिन वो नहीं रख पाया, तो ये आपका ओमिशन है। तो ये एक्शंस जो हैं आपके कमीशन और ओमिशन वाले, अगर कोई फिजिशियन इससे रिलेटेड है तो ये आपका मिसकंडक्ट कहलाएगा। इसके अंदर हम टोटल 6 एक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे वन बाय वन। पहला ये है आपका कि एनी अनएथिकल प्रैक्टिस, कोई अनएथिकल प्रैक्टिस आपका फिजिशियन कर रहा है, जैसे अपनी प्रोफेशनल पोजीशन का एडवांटेज लेना। सेकंड एक्ट क्या है? इफ़ ही डज नॉट मेंटेन द मेडिकल रिकॉर्ड, को मेंटेन नहीं कर रहा। किसका मेडिकल रिकॉर्ड? जो उसका इंडोर पेशेंट था। कितने टाइम के लिए नहीं कर रहा? 3 ईयर्स के लिए। और या फिर वो रिफ्यूज़ कर दे फॉर प्रोवाइडिंग द मेडिकल रिकॉर्ड विथ इन 72 आवर्स व्हेन द पेशेंट रिक्वेस्ट फॉर इट। अगर पेशेंट रिक्वेस्ट करता है मेडिकल रिकॉर्ड के लिए और 72 आवर्स के अंदर वो प्रोवाइड नहीं करवा पाता है फिजिशियन उस मेडिकल रिकॉर्ड को। थर्ड एक्ट है आपके रजिस्ट्रेशन नंबर से रिलेटेड, जहाँ पर जो फिजिशियन है वो डिस्प्ले नहीं करता है रजिस्ट्रेशन नंबर को। कहाँ डिस्प्ले नहीं करता है? अपने क्लिनिक में, प्रिस्क्रिप्शन में और सर्टिफिकेट्स इशूड बाई हिम। फोर्थ केस और फिफ्थ केस आपका एब्सेंस रिलेटेड है। फोर्थ केस में फिजिशियन को पोस्ट किया जाता है एक रूरल एरिया में, जहाँ पर वो एब्सेंट पाया जाता है 2 से अधिक बार। कौन उसको एब्सेंट पाता है? डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी का हेड और चेयरमैन या जिला परिषद। फिफ्थ केस में जो आपका फिजिशियन है उसको पोस्ट किया गया था एक मेडिकल कॉलेज में एज अ टीचिंग फैकल्टी, वो एब्सेंट पाया जाता है 2 से अधिक बार। किसके द्वारा? बाय द प्रिंसिपल और मेडिकल सुपरिटेंडेंट। सिक्स्थ एक्ट है जब डॉक्टर मेडिकल कॉलेज में ज्वाइन करता है, तो उस समय पर उसको एक फॉर्म फिल कराया जाता है MCI के द्वारा। तो अगर वो इस फॉर्म में फॉल्स या फिर मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन देता है तो ये भी आपका मिसकंडक्ट का केस कहलाएगा।